अभी जो आपने इंटरव्यू देखा जहाँ पर है, यहाँ पर नीतीश कुमार कबड्डी कर रहे हैं सुरेंद्र गिल के साथ, और यहाँ पर कबड्डी के लिए बहुत बड़ी बात है कि एबीपी न्यूज अभी प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया है यहाँ पर यूपी योद्धा का, मतलब स्पॉन्सरशिप यहाँ पर ला के देने वाला अगले 2021 और 2022 में 2 साल के लिए, और प्रमोट करेगा कबड्डी को अपने एबीपी न्यूज के चैनल के 3 करोड़ के चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हो जाके उनका इंटरव्यू। यहाँ पर मैं बता दूँ जो अविनाश पांडे हैं जो कि सीईओ हैं यहाँ पर एबीपी न्यूज के, उनके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि क्रिकेट सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप उठा ले जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कबड्डी इतना ग्रोथ करा तो कबड्डी को भी चीज मिलनी चाहिए। तो यहां पर एबीपी न्यूज यहां पर प्रिंसिपल स्पॉन्सर मिल गया। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, साथ आपको दिख भी जाएगा क्या कुछ बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बताई है यहां पर कबड्डी के बारे में। 2021 से 2022 यहां पर प्रिंसिपल स्पॉन्सर रहने वाले हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो एक और न्यूज निकल के आई है कि एबीपी न्यूज के जो यहां पर सीईओ अविनाश, उन्होंने न्यू जर्सी अनवील कर दिया है यहां पर, यूपी योद्धा की न्यू जर्सी आई है, और आपकी आपको पिक्चर्स दिखती रहेंगी साथ में। लेकिन मैं आपको बताऊं उस इंटरव्यू में क्या था। यहां पर इंटरव्यू में मेनली मजाक मस्ती चली थी, यहां पर पुशअप्स चैलेंज चले थे या स्कोर चैलेंज चले, सब कुछ चला था, और मैंने पूरा फनी सा मैंने देखा, मजा आ गया। आप यदि वो इंटरव्यू आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर यूपी योद्धा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, जाके देख सकते हो और सपोर्ट दिखा सकते हो। भाई कबड्डी बहुत ग्रो कर रहा है यहाँ पर, तीन मतलब इतना बड़ा एबीपी न्यूज चैनल, उनको प्रिंसिपल स्पॉन्सर मिल गया है। तो अभी देखते हैं बाकी टीम्स में क्या होने वाला, उनको कौन प्रिंसिपल स्पॉन्सर मिलने वाला, क्या कुछ बाकी की टीम के साथ होने वाला। और यदि आप एक ट्रू कबड्डी फैन और हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके नीचे सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।